नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भाई दूज पर बहन के घर जा रहे डॉक्टर की कार पर हुआ हमला। यह वारदात सोनीपत गोहाना में एक ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने सरेआम गुंडागर्दी की। इस बीच डॉक्टर ने मांगा हर्जाना तो 7 गुंडे मिलकर उनके कार पर किया हमला। गुंडे मारने लग रहे थे, पीछे से हमने पकड़ लिया उनको। ये सीसीटीवी कैमरे में भी आ रहा है। आप मौके पे थे सर? हाँ, मौके पे थे हम। हाँ जी, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है जी, और मैं अपनी सिस्टर के आज भैया दूज के उपलक्ष्य में जा रहा था। एक ऑटो वाला आया, उन्हें फुल दारू पी रखी थी और गाड़ी में टक्कर मार के भाग लिया। उसकी सवारियों ने उसको रोका, मैंने भी उससे बात करनी चाहिए। साथ में पीसीआर भी जा रही थी, उन्होंने भी कहा भाई तू गलत करके भाग रहा है, चलो सिटी में चलो। उसके बाद सिटी में जाने के बाद उसने जो है 7-8 लड़कों को बुला लिया और वो लड़के जो है बीटे लेके आए और मेरे पर हमला किया और गाड़ी में भी जोर जोर से बीटे मारे। गाड़ी में कुछ पैसे थे, 50-55 हज़ार रुपये, कुछ सामान और था छोटा, वो लेके भाग गए और मेरे पे जबरदस्त हमला हुआ जी। मैंने मुश्किल से भाग के ना दुकान के अंदर बच के अपनी जान बचाई। यह वारदात दिल्ली की भवानी इलाके की दर्शाई जाती है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 साल की एक कुंवारी लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। फूफा ही था उस लड़की के बच्चे का बाप। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। 7 अगस्त को हमारे पास एक कंप्लेंट शहर भिवानी से आई थी, उसके अंदर हमने FIR लॉन्च कर दी थी और वो एलिगेशंस अपने फूफा के खिलाफ लगा रही थी। तो उसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर दिया था, जिला जेल भिवानी में बंद है जो, और उसके अब डिलीवरी हुई है रोहतक PGI के अंदर, बिल्कुल सेफ है, उसके बेटा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट वहीं से लगा है। लड़की की उम्र 14-14.5 के आसपास। दहेज की बलि चढ़ी 22 साल की विवाहिता, दुपट्टे का फंदा बनाकर किया सुसाइड। यह वारदात दहेज से जुड़ा हुआ है। अंबाला अंतर्गत शहर में दहेज से तंग आकर एक विवाहिता ने दुपट्टे से फांसी लगाकर किया आत्महत्या। वह लड़की के परिजन ने मर्डर का आरोप लगाया है। साथ ही साथ मृतका ने एक अपने 1 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई। जिले में दहेज दानों की वजह से बलि चढ़ी विवाह और एक बच्चे की मां। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी न्यूज ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।